अगला क्वेश्चन जो है आप देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन से है. कहा गया है ए नॉन आइसोट्रॉपिक सॉलिड मेटल. नॉन आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि ऐसा मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट है. आइसोट्रॉपिक मटेरियल का मतलब होता है हर डायरेक्शन में एक जैसी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना. जैसे कि डेंसिटी हो गया, हर डायरेक्शन में अगर एक जैसे डेंसिटी हो, एक जैसे वेरी कर रहा हो, तो उसको आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं. अगर कोई ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर डायरेक्शन में एक जैसे हो, तो उसको आइसोट्रॉपिक कहते हैं. लेकिन अगर हर डायरेक्शन में एक जैसी प्रॉपर्टी नहीं हो, तो उनको हम लोग कहते हैं नॉन आइसोट्रॉपिक मटेरियल. तो यह नॉन आइसोट्रॉपिक सॉलिड मेटल क्यूब हैज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एज 5×10⁻¹⁵ पर डिग्री सेल्सियस अलोंग द एक्स एक्सिस एंड 5×10⁻¹⁶ पर डिग्री सेल्सियस अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस. इफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज C×10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस देन द वैल्यू ऑफ C इज. अब देखेंगे कि ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अपने एक वीडियो लेक्चर में करा रखा है. अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा होगा तो उसमें क्वेश्चन कराया है कि अगर कोई ऐसा मटेरियल है, जैसे सपोज ये क्यूब है ना, एक क्यूब बनाते हैं इस तरह से, है ना. तो ये ऐसा मटेरियल से बना है जिसके लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट जो होता है, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो. जैसे एक्स डायरेक्शन में अल्फा 1 हो, वाई डायरेक्शन में अल्फा 2 हो, जेड डायरेक्शन में अल्फा 3 हो, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है. तो उस केस में जब वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट निकालते हैं, है ना, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट गामा जब निकालते हैं, तो वहां पर आता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, ये आता है. अब यहां पर क्या है कि एक्स डायरेक्शन में तो अलग दिया गया है और वाई और जेड डायरेक्शन में इक्वल दिया गया है, है ना. तो अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, ये तीनों को ऐड कर देंगे यहां पर. अल्फा एक्स दिया गया है 5×10⁻¹⁵ और ये जो है अल्फा वाई और अल्फा जेड, ये दोनों दिए गए हैं 5×10⁻¹⁶ 5×10⁻¹⁶. तो इन तीनों को हमें जोड़ना है. इसको मैं लिख सकता हूं 50×10⁻¹⁶ प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 10×10⁻¹⁶. इनको ऐड करें तो आएगा 60×10⁻¹⁶, है ना. तो गामा जिसको बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, वो आएगा 60×10⁻¹⁶. क्वेश्चन में इसको दिया गया है C×10⁻¹⁶, तो C का जो वैल्यू है वो यहां पर आ जाएगा 60, क्योंकि ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो 60 एक इंटीजर वैल्यू आ गया और यही आंसर है.